और चलिए अब बात करेंगे मानसून की, जो कि प्रदेश में अब कहर ढाने लगा है। झुंझुनू में आज तेज बारिश हुई है और इस दौरान कोतवाली थाना इलाके में पंचदेव मंदिर के पास में 5 लोग करंट की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान सड़क पर घुटनों तक तेज बहाव के साथ पानी बह रहा था। करंट का झटका लगने के बाद 4 लोग पानी में गिर गए, बहने लगे। 2 लोगों को 200 मीटर बहने के बाद लोगों ने बाहर निकाल लिया, बचा लिया, जबकि 2 अन्य लोग बह गए हैं। एक व्यक्ति का शव करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर मिला है। एक अन्य व्यक्ति खुद ही पानी से निकलकर अस्पताल पहुंच गया। बहरहाल बारिश का कहर अब जगह जगह देखने को मिल रहा है। लगातार मानसून की उम्मीद लोग कर रहे थे, लेकिन जब मानसून आया तो सरकारी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गए आम लोग, और उसकी तस्वीरें देखिए। अव्यवस्था का आलम यह है कि गंदे नाले साफ नहीं हो पाए, लिहाजा पानी का जो फ्लो है वो शहरों में कस्बों में देखने को मिल रहा है। आज जो बारिश हुई है उसके अंदर हुआ है, चेन्नई सिटी गेट के सामने 3 आदमियों का इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, उसके अंदर 1 की डेथ हो गई है, 2 को इवैक्यूएट करके बीडीजे हॉस्पिटल में डाल दिया गया है। घटनाक्रम यह था सर जी, बारिश स्टार्ट हुई, बारिश स्टार्ट होने के कारण उधर दुकान के ऊपर जहाँ मतलब नजदीक दुकान थी वहाँ पर 2-3 लोग रुके या पहले से रुके थे पता नहीं, वहाँ पे 4-5 लोग थे, 2 दुकान पे काम करने वाले थे, 2-3 उधर मतलब कोई भी रस्ते में जाने वाले कुछ भी थे वहाँ पे जूस पीने वाले खड़े। झुंझुनू में हुए हादसे के बाद जो युवक बहा है उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। पुलिस के जवान हैं वो इस रेस्क्यू में उतरे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जेसीबी की मदद से जो जवान हैं QRT के वो लगातार देख रहे हैं कि जो युवक बहकर आया है वो यहाँ इस ऑपरेशन को है वो अंजाम दिया जा रहा है। और वहीं पुलिस की एक है वो भी लगातार दूसरे छोर पर जो रेस्क्यू को लेकर जुटी हुई है। वहीं एडिशनल SP पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में QRT का दस्ता है वो लगातार युवक के रेस्क्यू को लेकर प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि पंचदेव सर्किल पर ये हादसा हुआ था जहां पर विद्युत पोल में करंट आने के बाद वहां जूस की थड़ी के पास कुछ लोग रुके हुए थे और उनमें 5 जनों को करंट लगा, 1 युवक है उसकी मौत हो गई है, वहीं 3 घायल BD के अस्पताल में हैं, उनका इलाज जारी है, और 1 युवक है जो पानी में बहकर आ गया, उसको लेकर लगातार पुलिस के जवान और बचाव दल के जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कब तक सफलता मिलती है और जो युवक पानी में बहकर आया है उसको कब तक पुलिस है वो तलाश कर पाती है। करसन सिंह शेखावत, News18 राजस्थान, झुंझुनू। तो वहीं राजस्थान के 14 जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है और कई जिलों में जोरदार बारिश भी देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो भयानक हैं, डराने वाली हैं। भारी बारिश के बीच लोगों की लापरवाही। पाली में बाइक के साथ पानी में बहा युवक। झालावाड़ में निर्माणाधीन अंडरपास में डूबी गाड़ी। सिरोही में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। प्रदेश के कई जिलों में मानसून दे चुका है दस्तक। ऐसे में जोरदार बारिश के बीच पानी के तेज बहाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है और ये लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। पाली से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई जहां बाइक को बचाने के चक्कर में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरें सूर्यनगर गांव के पास एक बरसाती नाले की है। युवक तेज बहाव में बह गया और लोग वहां खड़े खड़े वीडियो बनाते रहे। लापरवाही की दूसरी तस्वीर झालावाड़ से सामने आई है जहां के चौमहला कस्बे में रेल लाइन पर बने अंडरपास में कार सवार फंस गया। बताया जा रहा है कि अंडरपास में पानी भरा था, फिर भी ड्राइवर ने जान जोखिम में डालते हुए पानी में गाड़ी उतार दी और फंस गया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। सिरोही जिले में भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां गोला नदी पार करते वक्त बहाव में ट्रैक्टर पलट गया जिससे समय रहते ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। उधर भारी बारिश के चलते जैसलमेर में कच्ची बस्ती के 50 से ज्यादा घरों में पानी भर गया।
जिसे प्रशासन ने वक्त रहते निकाल लिया। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। ये पीछे से नाला साइड से कोई घड़ी टूटा है, लोग बता रहे हैं पीछे की तरफ से, जो वो पानी फूट के वो सीधा नाले के रूप में आ रहा है पानी। और हमने यहाँ रोड क्रॉसिंग में यूआईटी की रोड थी जो उसको, उसकी वजह से बस्ती के अंदर पानी जा रहा था रोड क्रॉस करके, तो हम नाले की तरफ से जो छोटा सा टुकड़ा था उसको हमने तुड़वा दिया और जहाँ बस्ती में पानी जा रहा था हमने बस्ती में पानी जाने से भी रुकवा दिया। हमारे संसाधन सारे लगा रखे हैं। एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से परेशानी भी बढ़ी। चित्तौड़गढ़ में कुंभानगर रेलवे अंडर ब्रिज के एक तरफ पानी भर जाने से वाहनों का जाम लग गया। चित्तौड़गढ़ जिला भी जो है मानसून की बरसात से अछूता नहीं है। मानसून के प्रवेश के साथ ही यहां पर पिछले चार दिनों से रिमझिम और कभी मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते शहर की सड़कें जो है वह जलमग्न हो रही है। किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पर, क्यों बने हुए हैं ये? ये देखिए, मानसून की पहली बारिश में भी ये हालात है। प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी भरा हुआ है। मेरी नगरपालिका से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें ताकि शहरवासियों को इससे निजात मिल सके। उधर भारी बारिश के बाद भरतपुर में स्थिति बेहद खराब नजर आई। जगह जगह जल भराव दिखा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई फीट तक पानी भर गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय और निवास के सामने भी कई फीट पानी गया। मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय भी जलमग्न नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं जगह जगह जल भराव से आफत भी बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल में छात्र विकास यादव की मौत के मामले को लेकर छात्रों ने आज विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य पूरी तरह बंद रखा। छात्रों ने विरोध स्वरूप कुलपति के निवास के बाहर धरना देकर नारेबाजी की और मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों से समझाइश के लिए सिंडिकेट के मेंबर विधायक गोपाल शर्मा, विधायक कुलदीप धनखड़ मौके पर पहुंचे। इसके बाद भी सहमति यहां पर नहीं बन पाई है। छात्रों ने 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की। वहीं छात्रों की मांगों को लेकर आरएलपी नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी राज्यपाल से बात की है। मृतक छात्र को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी छात्रों से हमारे संवाददाता लवली वधवा ने बातचीत की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल के अंदर छात्र विकास यादव की मौत के मामले को लेकर के लगातार छात्र धरना दे रहे हैं। कुलपति के निवास के बाहर ये धरना लगातार जारी है। फिलहाल ये डेडलॉक नहीं टूटा है। तमाम जो छात्र हैं उन्होंने आज यूनिवर्सिटी बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही तमाम छात्र संगठनों के साथ ही जो उसके सहयोगी छात्र थे वो सब यहाँ धरने पर बैठे हैं। नौकरी सहित जो है मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। हम अलग अलग छात्र प्रतिनिधि उनसे बात कर लेते हैं। रोहित, बताइए क्या बातचीत हुई है, आखिर कब तक ये डेडलॉक टूटेगा? हमारी विश्वविद्यालय, हम कल शाम से धरने पर बैठे हैं। हमारे परिवार का सदस्य भाई हमारा विकास यादव, जिसके स्विमिंग पूल के अंदर पानी के अंदर डूबने से मृत्यु हुई है, उसका ना तो अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है ना उसकी जांच हो पाई है। हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से पहली मांग तो है कि आप परिवार का सदस्य और इन छात्रों को परिवार का सदस्य मानते हो तो एक बार हमारे से आके तो मिले। विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय अपने आप को पता नहीं संस्था समझती है क्या समझती है, पर छात्रों से तो मिलना ही नहीं चाहती है। हम पता नहीं आतंकवादी है दुश्मन है, हम उस छात्र को वापस ला तो नहीं सकते, लेकिन हमारी मांग है उसके परिवार के अंदर जो उसकी बहनें हैं उनको पढ़ाई का खर्चा विश्वविद्यालय उठाए और उनको नौकरी दे। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की हम मांग करते हैं और उसकी जांच और निष्पक्ष, जो जो लोग दोषी है वह सभी इस्तीफा दे और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अंदर मुख्य दोषी राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति महोदय, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और इसके साथ में नौकरी की मांग यहां पर की जा रही है, क्या बातचीत हुई अब तक? दो दो सिंडिकेट मेंबर आके चले गए, कुछ आश्वासन भी दिया है, खाली बात कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो खाली बातें कर रहे हैं। हम कल शाम को 6 बजे से यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी के आवास के बाहर धरने पे बैठे हैं। हम पूरी रात यहाँ पे थे, पूरे सुबह से यहाँ पे थे, कोई हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं है। अभी 1 घंटे पहले हमारे पास जो सिंडिकेट के मेंबर थे वो लोग आए, वो लोग अंदर गए, वो बोल रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि जिस प्रकार ये प्रशासन 1 दिन के बाद में यहाँ पे आता है और हमारी बातों को मैनिपुलेट करके हमारे पास में कई बार कहते हैं कि आपको 11 लोगों को मिलाएंगे, नहीं कभी कह रहे 6 लोगों को नहीं मिलेंगे, कभी कह रहे 2 लोगों को मिलेंगे। तो हमें कुल मिला के इसमें प्रशासन फंसी हुई है बात। देखिए, इसमें कुल पे बात यहाँ फंसी है कि हम चाह रहे हैं कि जो परिवार है उसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, उनके जो 2 बहन है, उसके विकास भाई के 2 बहन है, उन 2 बहनों में से 1 बहन को सरकारी नौकरी मिले और जो दोनों का जो खर्चा है वो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो पढ़ाई का खर्चा पूरा वो वहन करे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। उधर केशवरायपाटन में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की और मांगे पूरी नहीं होने तक शव नहीं उठाने से के लिए कहा है। और आपको बता दें कि शव उठाने से लोगों ने अब इनकार कर दिया है, कहा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी
ये शव नहीं उठा। मतलब कुछ फायदा मिल चुका, ये दोनों काम करके रैली वाटर पार्क से इसको मेरा ना छोड़ने जा रहा था, सुहासा के लमसम जो घूमना का जो मकसद था हुआ, उसके बाद में इन लोगों ने क्या नाम से जाने के लिए गए थे, तो 20 मिनट तक दुर्घटना के होने के कारण इनकी गंभीर हालत हो गई। गंभीर हालत होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इनको क्या नाम से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ तक परिजनों को सूचना नहीं मिली वहाँ तक इन लोगों ने ना तो उपचार किया डॉक्टर ने, ना किसी जब उपचार जब परिजन पहुँचे जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में इन लोगों ने इनसे भेजावड़े करने के बाद में इन लोगों ने उनका उपचार करना स्टार्ट। चलिए अगले 5 मिनट में देखते हैं 50 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में।